नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटरजगत में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आया हूं कि सिंक हम लोग ये जो किचन का काउंटर है ये सिंक कैसे लगाया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करें इंटरजगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। चलिए वीडियो में चलते हैं और ये जो सिंक है ये सिंक को कैसे लगाते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सिंक है और ये हमारा काउंटर हो चुका है और ये जो काउंटर हमने लगाया है यहाँ पे गैलेक्सी लगाया हुआ है, ग्रेनाइट आपका ब्लैक के ऊपर में आप देख रहे हैं ग्लिटर वगैरह। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग सिंक कर रहे हैं, सिंक लगा रहे हैं। सिंक लगाने के लिए यहाँ पे जो कटिंग है इसके ऊपर में भी हम लोग यहाँ कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ से जो ये मार्जिन देख रहे हैं ये अराउंड हम लोगों ने 3 इंच यहाँ पे रखा हुआ है और ये दोनों यहाँ से और ये वाला पूरा इक्वल करके रखा हुआ है और इधर से भी थोड़ा हम लोग मार्जिन देंगे। इधर भी थोड़ा देख लो, इधर और इक्वल करो, एक मिनट, ये इधर थोड़ा कम हो जा रहा है। ये वाला जो जगह है ये वाला हम लोग थोड़ा छोड़ेंगे क्योंकि ये लास्ट पोजीशन है, तो कभी भी थोड़ा आपका ये वाला मार्जिन हम लोग को छोड़ना है ज़्यादा। 6 इंच इसको छोड़ रहे हैं और इधर से ये वाला आपका थोड़ा सा आपका इसका, और ये जो लाइन है यहाँ पे ये हमारा नल का लाइन है, तो नल के वजह से जो है इसके हिसाब से इसको हम लोग सिंक को सेंटर करने वाले हैं। तो कैसे ये ग्रेनाइट में हम लोग कटिंग करेंगे ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ओके, 3.5 इंच यहाँ पे हम लोग इसको पेंसिल से मार्किंग करेंगे। आप मार्कर से मतलब इसको मार्किंग करना है और मार्किंग करने और ये रहा आपका जो कटिंग हम लोग कर रहे हैं जो मार्किंग किए थे, तो मार्किंग का जो एरिया है उसको सिर्फ कटर मशीन से ऊपर कटिंग कर रहे हैं ताकि ये जो मार्किंग है वो अच्छे तरीके से हम लोग कटिंग कर पाएं। और इसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पूरा ऊपर तरीके से अच्छे से ब्लेड से इसको कटिंग किया जा रहा है। उसके बाद इसको हम लोग पानी दे के कटिंग करेंगे ताकि जो भी डस्ट है वो ज़्यादा धूल ना उड़े, तो इसके लिए यहाँ पे पूरा आराम से कटिंग कर रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी ये वाला हम लोग का कॉर्नर अभी इसको पूरा कटिंग हो गया, तो इसको अभी हम लोग कटिंग करके इसको उठाएंगे। और ये पहले कॉर्नर कटिंग करने के बाद जब इसको इस पीस को उठाने के लिए इस कॉर्नर को निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ से जो छेनी हथौड़ी से इसको पूरा ये वाला एरिया को आपको निकाल के ये करना है, जोल्टा संगे संगे मुझेना। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये एरिया में प्लाई है जो कि हम लोग का ये काउंटर किए थे, इसमें विदाउट कोई स्ट्रक्चर का काम था, तो ये प्लाई के ऊपर में हमारा है। यहाँ पे कटिंग करके ये स्लैब को हटा लेना है, फिर अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको ये करने वाला है। ओके, तो यहाँ तक आपने देखा ये कटिंग करके पूरा पत्थर अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब जो प्रोसेस हो रहा है जो ये आप देख रहे हैं 19 mm का जो एरिया हम लोग फिर से कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो सिंक का जो पत्ती होता है उसको यहाँ पे कटिंग करके रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे इसका जो थिकनेस है 19 mm का, तो ये 19 mm से हाफ मतलब उसका कटिंग करना है ताकि जो उसका ब्लेड है मतलब जो सिंक का जो ब्लेड है पत्ती है वो उस जगह में कटिंग करके बैठ जाए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अभी मैं फिलहाल ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया देखे ये जो पत्ती है ये आराम से इसमें बैठ गया ताकि जब इसको हम लोग लगाएंगे तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये वाला हमारा जो सिंक का जो डेप्थ है उसके हिसाब से ये वाला हम लोगों ने ग्रुप कटिंग कर दिया है पूरा एल करके, ये आप देख रहे हैं। और इसी में हमारा जो है सिंक का जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो चीज़ है आपका जो बॉर्डर है ये बॉर्डर यहाँ पे बैठेगा, तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों तरफ से यहाँ पे कटिंग कर लिया है ना, देख सकते हो आप। जो हमारा ये जगह है अभी ये प्लाई हम लोग कटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये जो पत्थर था पत्थर ये पूरा एल शेप में हो चुका है जिसमें हम लोग का वो पत्ती बेसिन का बैठेगा सिंक का, लेकिन अभी जो प्लाई था ये पूरा प्लाई हम लोग कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पूरा प्लाई कटिंग हो गया है, ये पूरा हम लोग का प्लाई था, तो ये पूरा प्लाई कटिंग करने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग का सिंक बिठाना है। जैसे कि मैं आपको अंदर में दिखाऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं अंदर में पूरा कटिंग हो गया है। ये चारों तरफ से जो कॉर्नर अप्लाई का वो पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जैसे ये वाला अभी निकला हुआ है तो वो कॉर्नर आप देख रहे हैं क्लियर है ताकि वो सिंक जो है वो एकदम फ्री आराम से अंदर चल जाए। तो ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं कॉर्नर का अप्लाई जो भी दिख रहा है वो 42 से कटिंग करना हो रहा है।
अभी हम लोग सिंक के लिए पूरा कटिंग कर लिए हैं, अभी इसका पूरा कटिंग हो गया है सारे तरफ चारों तरफ से, अभी इसको हम लोग फिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है ये सीमेंट, ठीक है, ये सीमेंट हो गया, और इसमें हम लोग वाइट सीमेंट या तो फिर आपका ब्लैक जो ऑक्साइड इसमें हम लोग मिलाएंगे। तो ये जो एज है चारों तरफ से जो किनारा है, यहाँ पे हम लोग ये वाइट सीमेंट सीमेंट और जो ऑक्साइड मिक्स करके ये लिक्विड यहाँ पे देना है, ताकि इसमें जब हमारा सिंक जाएगा तो वो एक तरीके से फिक्स हो जाए और जो भी पानी लीकेज वगैरह है वो ना हो। तो उसकी वजह से ये पूरा चारों तरफ से फिक्स करने के लिए हम लोग सीमेंट दे रहे हैं। अभी ये हम लोग ने इसको बिठा दिया है, अब इसके ऊपर से हम लोग ये जो गैप दिख रहा है ये अभी व्हाइट सीमेंट में ब्लैक ऑक्साइड मिला के अभी ऊपर से जो गैप दिख रहा है ये सारे गैप में हम लोग फिलअप कर देंगे, और इसके बाद ये हमारा सिंक बैठाना काउंटर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंक बिठा सकते हैं जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। और मैं अगर इस सिंक की प्राइस की बात करूं तो ये आपका 8.5 थाउजेंड का ये सिंक है। ओके।